फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो फिर से आज बहुत दिनों के बाद आज हमारा ब्लॉग शूट हो रहा है। बस दुर्गा पूजा का ही कुछ कुछ क्लिप था, वो सारे वीडियो में ऐसे ही अपलोड कर दिया। और बच्चे एक वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने कि डांस किया है, तो वो वीडियो तो हमने ऐसे ही डाल दिया कि बच्चे लोग किए हैं तो मैंने डाल दिया, लेकिन उसमें गाना था, इस वजह से कॉपीराइट आ गया। और मुझे लगता है जिस वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है वो वीडियो तो बिल्कुल भी यूट्यूब चलाते ही नहीं है, वो बस 10-12 व्यूज पे बस वो अटका रहता है, तो मैंने भी छोड़ दिया। बोले रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। और हमारा बस वही घर का काम जैसे चलता है वही चल रहा है। पूजा पाठ का जितना भी बर्तन वगैरह था वो सारा हमने साफ करके समेट के रख दिया सारी चीज़ें। और अभी तो हमारा एक सोफा आने वाला है जो हमने बुक करवाया है, तो 2 तारीख को आएगा। अभी हमारा हॉल बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, बिल्कुल खाली है। बस 2-3 कुर्सी पड़े हैं और इस तरफ में बैठी हुई हूँ। उसके बाद मैं कट करके रखी हूँ गोभी और आलू को, जो मैं बनाने वाली हूँ अभी सब्जी। और अभी सीजन है गोभी का, तो ऐसे छन्नी में छान दिया है कि पानी वानी निकल जाए इसके। कट करके ना धो के अच्छे से रख दो छन्नी में, फिर सारे पानी अपने आप निकल जाता है, उसके बाद फिर बनाने में सही रहता है। ऐसे करके रखती हूँ और मैं जा रही हूँ अब सब्जी बनाने के लिए। और पांडे जी चले गए हैं, पांडे जी ने खाया पिया, पांडे जी गए अपनी ड्यूटी पे, बच्चे अपने स्कूल, और मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, और मैं हूँ आपके सामने। तो मैं फिर से आप लोगों को राधे राधे बोलना तो भूल ही जाती हूँ, क्यों बस मेरी जो आदत है ना वो थोड़ा सा सुधारने में टाइम लगेगा। मैंने कहा था ना कि जब भी वीडियो स्टार्ट करूंगी तो राधे राधे बोलूंगी, लेकिन भूल जाती हूँ बोलने राधे राधे। तो चलिए कोई बात नहीं, और बस यही सारी चीजें चल रही है घर में, डेली का वही खाना बनाओ खाओ काम धंधा। और अभी अब जो कपड़े वगैरह हैं सारे गर्मी के, सारे कपड़े जो पतले कपड़े हैं, जैसे ये कपड़े मैं पहन रखी हूँ, ये बिल्कुल गर्मी में पहनने के लिए सही है। जैसे ये कपड़े हैं मेरे तो इतने सॉफ्ट, इतना हल्का कपड़ा है, ये तो मैं गर्मी में पहनूंगी। तो अभी फ़िलहाल अभी तो मैं पहनी हूँ, तो उसको साफ़ करके इसको रख देना है जो मुझे निकालना है गर्मी में। और अब पड़ रही है सर्दी, अब हल्की हल्की सी ठंड होने लगी है, और अब भी ना हो तो फिर कब हो। तो ये सारे कपड़े, अभी तो घर में बहुत सारा काम है, ये सारे पतले पतले जितने भी कपड़े हैं गर्मियों के सारे कपड़े रखने हैं, सर्दी के कपड़े निकालने हैं, तो बस ये सारी सिलसिला चल रहा है। अब ये सोच रही हूँ किस दिन करूँ, जिस दिन बच्चे भी छुट्टी हो, बच्चे भी थोड़े हेल्प करें। पांडे जी का तो इनके पास तो टाइम है नहीं बेचारे के पास, ये कहाँ से करेंगे। तो सोच रही हूँ ऐसे दिन काम करें जो बच्चे भी हो, लेकिन बच्चे करेंगे क्या, वो तो काम बढ़ा देते हैं, और फिर भी थोड़े बहुत हेल्प मिल जाए। तो ऐसा है, ये सारी चीज़ें होगा सारे कपड़े। और परी हाफ पैंट पहनना छोड़ नहीं रही है, एक वक्त था कि परी हाफ पैंट पहनना नहीं चाहती, और अभी बोलती हूँ अभी पजामी पहना करो, मच्छर वच्छर काटेंगी। नहीं मम्मा, अभी तो गर्मी हुई जब तब है ना, तब तब तो अभी मैं हाफ पैंट छोड़ूंगी नहीं, अभी मैं इसको पहनूंगी। तो बस यही चल रहा है, मैं सोच रही हूँ परी हाफ पैंट पहनना छोड़े, मैं सारे हाफ पैंट उठा के इसका समेट के रख दो। तो और जो भी पुराने वुराने कपड़े होते हैं, फिर जो कपड़े स्वेटर वगैरह छोटा हो गया वो फिर किसी ना किसी को दे देना होता है, मेरा तो यही चलता है। यार रख दो धूप को, क्या हो रहा है? सैंडविच खा रहा है। बहुत टेस्टी बनाया। किसने बनाया? मम्मा ने। मैं भी बैठी हूँ सामने। हेलो,
पेट भर गया? मेरा बढ़ गया। तो मेरे कान्हा जी जो है इधर खाना खा रहे हैं, ये देखिए कान्हा, हे देखो स्माइल, कितना बड़ा स्माइल कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड हम लोग ना इसी टेबल पे बैठ के, यहीं पे हमने बना रखा है इसको डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल को, और यहीं पे तो पांडे जी से कह रहे हैं कि हमें चाहिए डाइनिंग टेबल, हमें दिक्कत हो रही है, अभी सेंटर टेबल से ही काम चल रहा है, सोचते हैं कुछ हो जाता है कुछ और, बीच में कुछ ना कुछ चलते रहता है कहानी, इसलिए भी डिले है, देखते हैं कब दिन बनता है मुहूर्त। सोफा का तो दिन बन गया, सोफा बसाने ही वाला है, दो तारीख को आ जाएगा, मैंने बुक करवा दिया था सोफा। मुहूर्त खाना हो रहा है किस टाइम में पता है? 3:30 आज काफी लेट हो गया, 3:30 बजे। और आज जो मैं बनाई हूँ चावल, चावल हाँ, और देखो आज जो बना है छोले और चावल, ठीक है अभी हम खा लेते हैं। कैसा बना? खुशबू नहीं, टेस्ट करके बताना है। तो ये है फ्रेंड करेला का चिप्स, खा के देखिए। अभी देखिएगा कैसे आवाज होगा, अरे टूटू टूटू ओश्वरी भगवान। चिप्स है बट कड़वा नहीं है, बहुत टेस्टी है। हाँ है ना, ये है करेला का चिप्स। आवाज़ें सुन रहा है?